अमुल, किस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना से जंग लड़ने में पुलिस का किरदार बेहद अहम है। आमतौर पर पुलिस का नाम आते ही जो छवि जहन में आती है वो ज़्यादातर मनफी ही होती है, लेकिन इस वक्त चाहे लॉकडाउन पर अमल कराना हो या फिर ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाना, पुलिस अहलकार अपना फ़र्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नब्बे साल के कानन बिहारी भौमिक और 85 साल की उनकी अहलिया बोलते बोलते जज्बाती हो जाते हैं। पटना की कंकड़बाग पुलिस के लिए इनके दिल से सिर्फ और सिर्फ दुआ निकल रही है। आज के वक्त में जब सारे रिश्ते बेमानी हो चुके हैं, रिश्तों की डोर ढीली पड़ चुकी है, ऐसे वक्त में कंकड़बाग थाने की पुलिस इस बुजुर्ग जोड़े के लिए फरिश्ता बनकर सामने आई है, जिस पर पूरे पुलिस महकमे को फख्र होगा। अमूमन पुलिस का जो चेहरा होता है उसका नाम आते ही लोग एक तरह से कहीं निगेटिव थाट्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन ने या कहें कि कोरोना जो महामारी है उसने चेहरे, चाल, चरित्र लगभग सब कुछ बदल दिया है। और अब एक ऐसी चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, एक ऐसी कहें कि त्रासदी हम दिखाना चाहेंगे जो आपसी संबंधों की है, और किस तरह से उस संबंध में पुलिस फिट हो रही है, पुलिस किस तरह से लोगों के काम आ रही है इस लॉकडाउन में, कैसे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए पूजनीय हैं उनको उनके बच्चे खाना नहीं खिला रहे लेकिन पुलिस खाना खिला रही है। और कानन बिहारी भौमिक बहरिया में काम करते थे। वालिद का साया उठ गया तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सिर पर आ गई। बहरिया की नौकरी छोड़ी और प्राइवेट जॉब करके भाई बहनों को पढ़ाया। शादी के बाद दो बेटे और एक बेटी की जिम्मेदारी को संभाला। बेटी भी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। साल दर साल बीतते चले गए और बढ़ती गई बच्चों से दूरी। अहलिया ट्यूशन पढ़ाती हैं जिससे घर का खर्च चलता है। मैंने कहने का तो कोई अल्फाज ही नहीं है, कहने का तो कोई अल्फाज ही नहीं है। इतना सेवा हमको मिला थाना से, गॉड नोस, मैंने हम बोल ही नहीं सकते, कोई अल्फाज ही नहीं है, है? बहुत अच्छा आदमी। कोरोना बहरान के बीच लॉकडाउन हुआ तो बुजुर्ग जोड़े पर जैसे आफत टूट पड़े। कुछ दिन तो घर में रखे राशन से गुजारा हो गया, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों ढाई दिनों तक दाने दाने के लिए तरस गए। आखिरकार कंकड़बाग थाने से इन्होंने मदद मांगी। मेरे सीनियर्स ने मुझे मौका दिया, मेरे ईश्वर ने मुझे मौका दिया इनकी सेवा करने का। अहोभाग्य है मेरा कि मैं इस घड़ी में इनके काम आ रहा हूँ। ये मेरे पिता समान है, मेरे पिता ही हैं, और इन सबों का सेवा करके मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक क्या हो सकता है। मानव सेवा जो है, देश सेवा का इससे बढ़िया अवसर शायद अभी नहीं मिलेगा। पुलिस ने भी मदद करने में जरा सी देर ना लगाई। जब बेटों ने दामन छुड़ा लिया तो पुलिस वाले बेटे बनकर हाजिर हो गए। भगवान के पास फिर भी हम माँ है, बोलते कहीं भी रहेगा भगवान, अगर हम ये है तो उन लोग को ठीक से रखना है। इतना बड़ा दिल से दुआ निकलती नहीं, दिल से कभी कभी खूब गुस्सा आ जाते हैं। तो इसके पापा बोलते हैं ठीक है, हम पापा को नहीं दे रहा है, मम्मी को तो दो, मम्मी कितना कष्ट किया। कंकड़बाग थाने की पुलिस बेसहारा बुजुर्ग जोड़े की मदद को कामयाबी मानती है। पूरा का पूरा थाना इन्हें अब अपना परिवार मान रहा है और ताउम्र इनकी मदद करने का भरोसा भी दे रहा है। हम लोग इंडियन है, हमारा कल्चर है कि हम अपने बड़ों का, अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, और यदि उनकी सेवा नहीं करते हैं तो हमारे धर्म में मतलब ये भी है कि शायद मेरे साथ भी यही बीतेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दीजिएगा तो फिर आप भी एक दिन बूढ़े होइएगा, आपको भी बाल बच्चा इसी तरह छोड़ देगा। पुलिस की सेवा के पीछे IG संजय सिंह की सोच है, जिसे वो कुछ इन अल्फाज में बयां करते हैं। उनके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि अपने इलाके में जो भी बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं या कपल हैं बुजुर्ग, वो अकेले रह रहे हो तो उनकी एक सूची बना लें और उनसे जाके व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम का भी नंबर दे दिया है। सभी अफसर इंचार्जेस को निर्देश दिया है कि उनको अपना नंबर शेयर कर दें। कोरोना काल में पुलिस का ऐसा फरिश्ता अवतार आने वाले वक्त का इशारा दे रहा है, क्योंकि एक वायरस ने दुनिया को सबक सिखाया है। सबक ये कि हम सब चाहे जिस मजहब या बिरादरी से आते हैं, लेकिन बीमारी और भूख जब लगती है तो ये सब पीछे छूट जाते हैं, और जो रह जाता है वो है सिर्फ इंसानियत, जिसकी मिसाल ये पुलिस वाले कायम कर रहे हैं।
शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।